स्टूडेंट्स, कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक की के द्वारा भारत में जो सल्तनत की स्थापना की गई थी उसके बारे में बात कर रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सूबेदार था, जिसने मोहम्मद गौरी के भारत में शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके द्वारा सल्तनत की स्थापना को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सूबेदार के रूप में और दूसरे सुल्तान के रूप में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई सारी समस्याएं थीं। उन समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वयं की दुर्बल स्थिति। इस समस्या का तात्पर्य ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था, और गुलाम होने के कारण इस्लाम में गुलाम को शासक नहीं माना जाता, और चूंकि अन्य तुर्क सरदार स्वतंत्र सरदार थे, स्वतंत्र अमीर थे, अतः वो भारत के साम्राज्य पर अपना अधिकार ज़्यादा मानते थे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गियासुद्दीन से वार्ता करके गियासुद्दीन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो उसे गुलामी से मुक्त कर दे, दास्ता से मुक्त कर दे, उसके एवज में वो मोहम्मद गौरी की भांति उसे अपना शासक स्वीकार करेगा और उसके नाम पर भारत पर शासन कर लेगा। और इसके तहत 1208 में गियासुद्दीन ने नियम पूर्वक उसे दास्ता से मुक्त किया। ना सिर्फ दास्ता से मुक्त किया बल्कि उसको राजकीय छत्र भी भेजा और उसे दिल्ली का शासक स्वीकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति इससे भी नहीं सुधर रही थी, क्योंकि अभी भी उसे पूर्ववर्ती दास के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरा प्रयास किया, खलीफा के पास अपना प्रस्ताव भेजकर। पूरे इस्लामिक जगत में यदि किसी को सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक सत्ता माना जाता है तो वह खलीफा को माना जाता है। मोहम्मद साहब के बाद में यदि इस्लाम की धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक सत्ता यदि किसी के पास में थी तो वो थी खलीफा के पास में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा के पास में प्रस्ताव भेजा कि वो उसे खिल्लत प्रदान करे, वो उसे शासक की स्वीकृति प्रदान करे। इसके एवज में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में खलीफा के नाम पर शासन करना प्रारंभ कर देगा। खलीफा के लिए तो बैठे बिठाए एक साम्राज्य विस्तार और शक्ति का विस्तार का मौका अवसर था, अतः खलीफा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खिल्लत प्रदान कर दी, उसके नाम का खुतबा पढ़वा दिया, और इस तरीके से कुतुबुद्दीन ने अपनी इस समस्या का निराकरण किया और भारत में अपने शासन की नींव रखी। ऐसा करने के अतिरिक्त उसके सामने दो बड़ी समस्याएं थीं, एक थी नसरुद्दीन कुबाचा और दूसरा था ताजुद्दीन यलदौज। नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यलदौज मोहम्मद गौरी के सरदार थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के समकक्ष सरदार थे। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के कड़े प्रतिद्वंदी थे, दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक से ईर्ष्या रखते थे, और दोनों ये चाहते थे कि भारत पर उनका अधिकार स्थापित हो। मोहम्मद गौरी के समय की मृत्यु के बाद यलदौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया था और नसरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे संघर्ष ना करके, क्योंकि यदि वो इनसे संघर्ष में उलझता तो उसकी स्थिति कमज़ोर होती, इसलिए उसने संघर्ष में ना उलझ कर बड़ी चतुराई से काम लिया, कूटनीति से काम लिया। कुबाचा की बहन से स्वयं ने विवाह किया और यलदौज की पुत्री से स्वयं ने विवाह किया और कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दी, और इस तरीके से यलदौज को अपनी की पुत्री से शादी कर और कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर उनकी प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया। तीसरा जो समस्या थी उसके सामने वो ख्वारिज्म के शाह की थी। अफ़गानिस्तान के से लगती हुई ख्वारिज्म की सीमाएं थी और ख्वारिज्म का शाह अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि मान रहा था और उस नाते वो पूरे इलाके पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ख्वारिज्म को
गजनी और गौर की आंतरिक अस्थिरता का लाभ उठाने का अवसर मिल रहा था, इसलिए ख्वारिज्म का शाह चाहता था कि गजनी और गौर पर वो अपना अधिकार स्थापित कर ले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये एक बड़ी समस्या थी कि वो इस तरीके से ख्वारिज्म के शासक, अगर वो गौर से अपना संबंध बना के रखता है या गजनी से अपना संबंध बना के रखता है, तो कहीं ख्वारिज्म के शाह को भी निमंत्रण ना दे दे कि वो यहाँ आए और यहाँ से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी कूटनीति का सहारा लिया, राजनीतिक चातुर्य का सहारा लिया और उसने गजनी से भारत के साम्राज्य को काट लिया। उसने अपने आप को गजनी से या गौर से जोड़कर नहीं रखा, जिसके कारण मध्य एशिया की राजनीति से भारत की राजनीति प्रभावित नहीं होने लगी। अगली समस्या थी राजपूतों का प्रतिरोध, राजपूतों का विरोध। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चंदेलों, चौहानों, चालुक्यों, इन्होंने पुनः अपने अपने इलाकों को जीतना प्रारंभ कर दिया और जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने राजपूतों का विरोध एक बड़ी समस्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी शांति से, बड़ी ही धीरजता के साथ में एक एक करके इन राजपूत शासकों के विरोध को समाप्त करके ना सिर्फ इस विरोध को समाप्त किया बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी समस्या थी और वह समस्या थी आंतरिक अशांति एवं अव्यवस्था। मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु के कारण मोहम्मद गौरी का साम्राज्य खंड खंड होने लगा। जिसे जहां अवसर मिल रहा था वह वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी के साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी, आंतरिक अशांति बनी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को हालांकि कम समय मिला, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रयास किए कि वो इस अव्यवस्था और अशांति को दूर कर सके और भारत में सल्तनत की नींव को मजबूत कर सके।